हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे टेबल्स को कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टेबल कैसे बनाएंगे। आप लोगों को पता है कि हमने होम कर लिया है, हम अभी इंसर्ट पे हैं। इंसर्ट में हमने अबाउट पेज एक एक करके हमने डिटेल में ये डिस्कस किए हैं के पेज के सेटिंग है, कवर है, ब्लैंक पेज हम कैसे डालें और पेज को ब्रेक कैसे करें, हम ये सारा सीख के आए हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो ऑल अबाउट टेबल पे है कि हम कैसे टेबल ड्रा करेंगे। तो मैं एक टेबल आप लोगों के सामने ड्रा करता हूँ, आप लोग ठीक है। आप लोगों ने देखा है कि ये थ्री रोज और थ्री कॉलम का मैंने एक टेबल बनाया है। जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता जाऊंगा, जितने कॉलम मैं सिलेक्ट करता जाऊंगा उतने कॉलम आएंगे और उतने ही रोज आएंगे जितने मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद अगर आप खुद इंसर्ट करना चाहते हैं कि मुझे इतने नंबर ऑफ कॉलम रिक्वायर हैं और इतने इतने नंबर ऑफ रोज रिक्वायर हैं, तो आप यहाँ से वो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोज को इनक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 5 होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 होने चाहिए। मुझे ये एक कॉलम बनाना है टेबल। तो मैं जैसे ही ये बना के ओके करूंगा तो देखिए मेरा ये जो टास्क है वो पूरा हो गया है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं नंबर ऑफ ये बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे तो ये प्लस का निशान आपको सिंबल दिखाएगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ जो है आपके कॉलम है वो इंक्रीज होते जाएंगे। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो बीच वाला जो ये खाना है तो इसको मैं मजीद बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ खींचूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा और इससे इसको मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ बाय दिस सिंबल, ठीक है। और मैं नंबर ऑफ जो रोज हैं वो मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो मैं जैसे ही प्लस के निशान पे वो दबाता जाऊंगा मेरे ये इंक्रीज होते जाएंगे। आप लोगों ने देखा है कि मैंने कैसे एक अच्छा सा टेबल मैंने बना लिया है। आप इस टेबल को एक्सेल शीट पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है उसके थ्रू आप इस टेबल को आप एक्सेल पे भी लेके जा सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट आज हमारा जो है वो टेबल के बारे में था कि हम किसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टेबल को ड्रा करें और उसका काम क्या है। ये काम डिफरेंट जो फैक्ट्रीज हैं या जहाँ स्टेटिकल कैलकुलेशन वगैरह होती है तो वहाँ पे ये जो कॉलम है ये जो टेबल है वो कारामदा है। यहाँ पे आप किसी भी वर्कर का नाम लिखें और उसकी मंथली सैलरी वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये एक्सेल पे भी हो सकता है लेकिन बहुत से लोग एक्सेल को नहीं जानते तो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इजी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को थोड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नंबरिंग डालना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एस नंबर, ये जो हमारा नंबर है वो मैं यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ, जो मेरा एम्प्लॉय उसका मैं नेम लिखूंगा और यहाँ पे मंथली वाइज जो सैलरी मैं उसको दूंगा वो मैं लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल जनवरी फरवरी मार्च, तो जो मैंने उसको सैलरी वगैरह दी है वो मैं नीचे लिखता रहूंगा। एक नाम मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैंने ठीक है मैंने एक नाम लिखा है और ये मेरा मुलाजम नंबर है, एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट है और उसने उसको मैंने मंथली जो जनवरी पे मैंने तनख्वाह दी है 10,000 दी, तो फरवरी में मैंने उसके 12,000 बने। तो इस तरह के जो भी टेबल है वो हम टेबल का जो काम है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर आप लोग